एनसीपी में रहने का, एनसीपी के अंदर तो मैं चुन के एनसीपी से आए थे, कल भी मैं यही बात बोलता था, आज भी यही बात बोल रहा हूँ, मजलिस के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं आया। अगर मैं कांग्रेस में नहीं भी जाता तो मैं मजलिस से इलेक्शन लड़ने की मेरी तैयारी भी नहीं थी, कॉरपोरेशन का इलेक्शन मैं मजलिस से नहीं लड़ता था। अब सुना गया कि नया साल कांग्रेस की नई सदारत और शहर में नई कयादत, आइए इस ताल्लुक से सुनते हैं कि क्या है ये सस्पेंस। मैं आज सुबह बॉम्बे गया और जाने के बाद मेरी नाना पटोले साहब से और कुणाल पाटिल वगैरह से मेरी बातचीत हुई। इसके पहले जब मैं मुझे उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाए थे तो मैंने उनसे 20 तारीख का वक्त मांगा था, जिन्होंने मुझे आज का सुबह का टाइम दिए थे। मैं आज सुबह पहुंचने के बाद तमाम बातों के ऊपर चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि 1 तारीख को हम लोग भीमापुरे गांव में प्रोग्राम है और प्रोग्राम करके वापस हम सीधा हेलीकॉप्टर लेके मालेगांव आने वाले हैं, जहां आप एक अच्छा सा प्रोग्राम रखिए और वहीं पर प्रोग्राम करने के बाद हो सकता उस दिन बोलो या उसके बाद बॉम्बे बुलाकर मुझे सदारत का लेटर देंगे। इतना तो कम से कम फाइनल हो चुका है। 1 तारीख को क्या प्रोग्राम देने वाले हैं आप? 1 तारीख को ही प्रवेश है, पार्टी में प्रवेश करने का प्रोग्राम है। मैं प्रवेश करूँगा, मेरे साथी जो भी है और प्रवेश करेंगे आज, बोले तो मैं तो 0 से आज जो भी आएंगे तो उतने लोग मेरे साथ रहेंगे। आज मैं 0 से प्रोग्राम करने वाला है और शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी गया एक अच्छा बड़ा तबका, एक असर सुरुख रखने वाला जो कांग्रेस से किसी वजह से दूर था, उन लोगों ने भी मुझको यही कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे तो हम पूरी तरीके से आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। यही मैं उम्मीद लेकर नाना पटोले के पास गया और उनको कहा कि शहर के अंदर हालात बहुत अच्छे है, इंशाअल्लाह ताला अपन शहर के अंदर नुमाइंदगी कर सकते हैं। 1 तारीख को कहाँ कब और कैसे प्रोग्राम होगा? प्रोग्राम का भी जो अभी है तय, मैं भी कुछ लोगों को बुलाया हूँ सलाह मशवरा लेने के बाद। मेरे पास 2-3 जगह मेरे दिमाग में हो सकता है, ATD हाई स्कूल बोलो या फिर अंसार जमात खाने का कंपाउंड बोलो या फिर हबीब लॉन्स हो, तीनों में से कहीं ना कहीं मैं ज़रूर ये 3 जगह से कहीं भी प्रोग्राम करने वाला हूँ मैं। आप सिर्फ सदारत ले रहे हैं, शहर का भी कुछ भला चाहते हैं? उस ताल्लुक से भी मेरी बात हुई है, वो तो आगे बोलेंगे कि मैंने उनसे जो बातचीत किया हूँ और मैं उनको उस दिन लेटर दूंगा कि भाई हमारे को सदारत के साथ साथ कुछ ना कुछ तो शहर के अंदर 10-20 करोड़ रुपए का तुम फंड दो। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि मैं PWD मिनिस्टर अशोक चव्हाण साहब के साथ तुम्हारी बैठक करा के बातचीत करा दूंगा और कुछ ना कुछ शहर की भलाई के लिए हम देंगे ज़रूर। मैंने सुना था कि आप मजलिस में भी है, NCP में भी है और NCP की सदारत भी मांग रहे थे, क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस पार्टी पसंद आई और आपने कांग्रेस की सदारत के कबूल किया? NCP में रहने का, NCP के अंदर तो मैं चुन के NCP से आए थे, कल भी मैं यही बात बोलता था, आज भी यही बात बोल रहा हूँ, मजलिस के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं आया। अगर मैं कांग्रेस में नहीं भी जाता तो मैं मजलिस से इलेक्शन लड़ने की मेरी तैयारी भी नहीं थी, कॉरपोरेशन का इलेक्शन मैं मजलिस से नहीं लड़ता था। कांग्रेस को क्या देना चाहते जो वजह से आप उसकी सदारत कबूल कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में क्या ऐसी अफवाह? बात असल में ऐसी है कि एक इंटरनेशनल पार्टी है और अगर कुछ भी देते आज मेरे को कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद 10-20 करोड़ रुपये अगर फंड देते शहर के लिए तो ये मेरे शहर की भलाई है नहीं है, कोई दूसरी पार्टी में जाकर तो मिलने वाला नहीं है। आपका जो इलाका ये कांग्रेस का जेर ऐसा इलाका माना जाता था, इस इलाके में मरहूम अल्हाज शब्बीर शेख रहा करते थे, ये इलाका कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, ऐसे में अगर कांग्रेस की सदारत आपको मिलती है तो इस एरिया को आप किस तरीके से मजबूत कर पाएंगे? यही तो बात मैंने पहले आपको बोला कि भाई मैंने कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात करके उनको पूछा, यानी जो भी सरमायादार लोग हैं हमारे इलाके के अंदर, लोग इतने खुश हैं कि शब्बीर शेख के बाद आज अपनी कांग्रेस अपने इलाके में वापस आ रही है, उनकी तो खुशी की हद नहीं है, हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ने के लिए तैयार है। ये बात का तो मैंने आपको पहले ही बता चुका कि भाई ये बात ऐसी है। 1 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है, इस ताल्लुक से आप शहरियान से क्या अपील करना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में आवाम क्यों आए? शहर की भलाई के लिए आवाम को आना चाहिए। अगर मेरे एक जैसा तजुर्बेकार आदमी अगर मालेगांव शहर कांग्रेस की सदारत ले रहा है तो कुछ बात होंगी, क्योंकि मुझको 25 साल का तजुर्बा है और अल्हम्दुलिल्लाह अपन काम करने वाले लोग हैं। आज देखो जहाँ पर मैं जाता हूँ तो लोग यही कहते हैं कि यार कोई ऑप्शन नहीं था, आप ऑप्शन आप आ गए, ये बड़ी अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है कि मैं जिस इलाके में भी गया तो लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से कबूल किए, मुझको बैठा के चाय पानी किया कराया और उसके बाद उन्होंने यकीन दिलाया कि आप जब भी कोई प्रोग्राम करेंगे तो हमको प्रोग्राम को दावत नामा दो, हम हर हाल में आपके प्रोग्राम के अंदर आएंगे और हम आपके साना बसाना चलेंगे।
कांग्रेस की अगर सदारत आपको मिल जाती तो शहर के लिए आप क्या भला कर सकेंगे, ऐसी क्या उम्मीद आप जगा? मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि फिर अभी फिलहाल तो ऐसा है कि कुछ रोड रस्ते वगैरह के लिए अगर वो फंड दे देंगे तो शहर के हालात कितनी ख़राब है आपको खुद मालूम है। दो चार अगर बड़े बड़े रोड के अगर वो फंड देते हैं तो अलहमदिल्ला कुछ भी दिए तो अपने शहर की भलाई होंगी। जैसे अभी NCP वालों ने 10 करोड़ रुपये आसिफ शेख साहब को दिए, 10 करोड़ अगर मुझे भी देते तो और 10 करोड़ रुपये का इजाफा शहर के लिए होगा। मैं तो यही चाहूंगा कि यही मेरे शहर की भलाई है कि रोड रास्ते अच्छे हो जाए, लोग यहाँ के क्या चाहते। नाना पटोले साहब मालेगांव को किस नजरिए से देखते हैं, जबकि नाना पटोले साहब के आने के बाद से हम लोग देख रहे हैं कि मुसलसल लोग इस्तीफा दे रहे हैं, तो नाना पटोले साहब मालेगांव को क्या समझते हैं? नाना पटोले के आने से बाद से इस्तीफा दे रहे या इस्तीफा लिया गया ये सब तो नाना पटोले बताएंगे, ये मुझे आज बताने की जरूरत भी नहीं है। मैं आज पार्टी के अंदर प्रवेश करूंगा, वो उनका ये बड़े लेवल का मामला है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो किसने इस्तीफा दिया कि दिलवाया गया वो मुझे उसके बारे में नहीं बोलना है। कांग्रेस को जो यहाँ पर मुकामी जिम्मेदार अभी शेख रशीद और शेख आसिफ के जाने के बाद में जो कायम है, जो बॉडी के ओहदेदार हैं, आप लोगों की उन लोगों से क्या बात हुई या आप उनसे क्या चाहते? मैं तो शहरियान से यही अपील करूंगा कि जो ऐसी वोट है मालेगांव के अंदर 20 से 25 हज़ार वोट है शहर के अंदर, जो कांग्रेस के सिंबल को मानने वाली वोट है, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप सब मिलके काम को पाया तकमील तक पहुंचाओ और मेरे हाथ मजबूत करेंगे तो अपन शहर के लिए कुछ ना कुछ कर सकते। जो पुराने कांग्रेस के लोग जो नाराज़ होकर चले गए थे, कई किनारा कसी कर लिए थे, ऐसे लोग हैं कि आज वो बिल्कुल आने के लिए तैयार है, सिर्फ उनको बुलाने की ज़रूरत है और मैं उनको बुला के आया हूँ। अलहमदिल्ला शहर के अच्छे अच्छे सरमायादार जो कांग्रेस से दूर थे, किसी वजह से दूर थे ये बोलने की बात नहीं है, आज वो करीब आकर और कांग्रेस का साथ देंगे। जो ओहदेदार आज भी कायम है शेख आसिफ और शेख रशीद के जाने के बाद, जो ओहदेदार कांग्रेस के कायम है, आप उनसे क्या बात करना चाहेंगे? बात असल में ऐसी है कि जब अध्यक्ष ही राजीनामा देते तो बॉडी छिनी रहती, तो आज बॉडी नहीं है। जब बॉडी बनेंगे तो बॉडी के अंदर सबको देखो, सबका एक साथ बैठ के और अलहमदुल्ला अपन ये करेंगे कि भाई सबके सलाह मशवरे से ही बॉडी की तश्कील देंगे। आज तो कोई है नहीं, जब उसके ऊपर मुझे जिम्मेदारी दी जाएंगी तो मैं उस तरीके से काम करूँगा। शहर के जो जूने सनतकार घराने और बड़े बड़े दीनदार घराने जो कांग्रेस से जुटे हुए थे, यहाँ तक के मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी जैसा ग्रुप भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, मौलाना मुसन्ना मियाँ और जितने भी सुन्नी उलमा थे ये भी कहीं ना कहीं से कांग्रेस को सेकुलर मानकर उससे जुटे हुए थे, तो जो शहर की दीनी और मजहबी तंजीमें, उनसे आप कांग्रेस की सदारत से मुताल्लिक क्या अपील करना चाहेंगे? यही करूँगा, एक सेकुलर आदमी को कांग्रेस की सदारत मिली है, आप सब मिलकर जिस तरीके से आप पहले शब्बीर सेठ के साथ जुड़े थे कांग्रेस के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे समझ के चलो कि शब्बीर सेठ की कांग्रेस है, ये वापस गुरुवार वार्ड में आई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलता हूँ कि इस सब आप जुड़िए, ये आपकी कांग्रेस है, ये मेरी नहीं है। मैं एक सिपाही बन के आपके साथ खड़ा रहूँगा, जब भी ज़रूरत पड़ेगी शहर के लिए मिनिस्टरी लेवल से मैं काम करने के लिए तैयार है। जब बोलेंगे मुझ हमला हमारा ये काम है, मैं मिनिस्टर लेवल से बात करके अगर बम्बई जाने वाली बात रही तो उनके साथ हर तरीके से जाके काम करूँगा। आज मेरी ये सारी चीज़ नाना पटोले साहब से भी मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि एजाज भाई ये पर्सनल मेरा मामला है मालेगांव का, आपको जब ज़रूरत पड़ी किसी मिनिस्टर से तो ये मैं तुम्हारा काम करके दूंगा। आप कांग्रेस के अगर सदर बनेंगे तो मालेगांव की नुमाइंदगी अपनी पार्टी के आला ओहदेदारान के पास करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी, तो मालेगांव के मसाइल को लेकर आप अपने पार्टी आला ओहदेदारान से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? ओहदेदार से भी यही कहूँगा कि हमारा जो काम है हमारा करके देना चाहिए गाँव के अंदर, हमारे शहर की हालत पावर रूम की इतनी ख़राब है कि कभी सूत का भाव बढ़ जाता तो कपड़ा का भाव नीचे आ जाता, कभी कपड़े का भाव बढ़ जाता तो सूद और उससे तरीके से चले जाता, कुछ ना कुछ तरीके से एक ऊँट कोई ना कोई करवट बैठाना चाहिए। मैं यही अपील करूँगा कि सब बैठ के, मेरे से बड़े बड़े लोग हैं जिनको बहुत तजुर्बा है, मैं उनका भी तजुर्बा हासिल करूँगा, वरना सियासत में नहीं है तो क्या हुआ, वो कांग्रेस पार्टी की जहनीत रखने वाले लोग है, मैं उनसे कहीं ना कहीं उनसे मालूम लूँगा और अलहमदिल्ला ये सारे मसाइल मसले आज कोई बोलने वाला नहीं है, हालत इतनी ख़राब है कि आ रहे और मीटर बिजली बदली करके चले जा रही, ये क्या चीज़ है? यानी जब बोलेंगे जब ही रुकेंगे का मामला, जो उनके कायदे से है पावर बिजली वालों के तो पीछे पड़ जाऊंगा। अगर कोई पहले से पहले भी कहा था कि अगर ये लोग ने बिजली वजह मीटर बदली करते तो मेरे पास आओ और मैं एक को भी मेरे एरिया के अंदर के आप गाँव की जिम्मेदारी ले रहा, गाँव में भी कहीं मैं इनको मीटर बदली करने नहीं दूंगा, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। जैसे मरहूम शब्बीर सेठ आयशा आपा तो मैं बहुत छोटा था जब वो MLA थे, बहरहाल काम के कारनामे जो है आज तक की उनकी याद है कि उन्होंने फिल्टर प्लांट लाए। मरहूम हारून अंसारी साहब
उन्होंने भी शहर को कुछ ना कुछ दिया है। शब्बीर सेठ के बारे में तो ये कहा जाता है कि हमने हमारी आँख से आज तक देखते आए कि उनके हाथ की आज भी रोड जिस एरिए के अंदर बनी है उसको आज भी उससे फोड़ना पड़ता है, घन ला यानी वो मशीन वाइब्रेटर मशीन ला के फोड़ना पड़ता है। ये उनकी सबसे बड़ी शहर के अंदर देन है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके नक्श कदम पे चल के मैंने वार्ड में भी वैसे ही काम किया। मेरे वार्डों के लोग मुझसे यही पूछ रहे थे कि यार शब्बीर सेठ के बाद अगर कोई रोड बना रहा है तो एजाज बेग अपन पूरे शहर के अंदर एक तहलका मचाएंगे कि शब्बीर सेठ के तर्ज के ऊपर काम करना चाहिए। मैं यही कहूँगा सबसे तरीके से मरहूम शब्बीर सेठ, आयशा आपा, मरहूम हारून अंसारी साहब, उनके अलावा मेरे अपने वार्डों के रहनुमा जिन्होंने कांग्रेस की कमान को संभाला था, वैसे नसीम मीना नगरी साहब भी मुझे फ़ख्र है इस बात का, और अब्दुल रजाक कोकब साहब, यह भी मेरे इलाके के ही लोग थे। मैं तो बच्चा था जब इनकी सदारत थी, मैं मेरे वालिद के साथ अहमद नसीम मीना नगरी के पास आया जाया करता था। मैं जब से देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस इलाके में मैं 5 टर्नों से मुझे लोगों ने चुन के दिए, ये एक मिसाल वार्ड है, मिसाली वार्ड है कि एजाज बेग के घर का 10 खानदान के 10 रिश्तेदारों के घर नहीं है यहाँ पर। बहरहाल यहाँ के जो सरमायादार मुझे चुन के देते, ये मेरे शहर के लिए एक मिसाल है और ये मिसाल मैं हमेशा देते रहता हूँ पूरे गांव के अंदर। किसी के अल्लाह ने जो दिया है तो उनको बताता कि देख लो यहाँ पर ऐसा भी है, ये वार्ड के जिन्होंने मुझे 25 साल तक के चुन के दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि मेरे वार्ड के मेरे शहर के लोग मेरे साथ रहेंगे। मैं इतनी तवक्को उनसे करता हूँ।